हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पॉलिटेक्निक स्टडी जोन। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपके पॉलिटेक्निक सिक्स सेमेस्टर के जो कॉमन सब्जेक्ट है इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, इसके बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन को लेकर के आ चुके हैं। दोस्तों, यह जो आपका क्वेश्चन है आपके BTUP बोर्ड द्वारा पिछले 10 सालों से लगातार पूछा जा रहा है और यह क्वेश्चन जो है आप सभी छात्रों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आज के इस वीडियो में इस क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं और इसके बारे में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। देर ना करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप मेरे स्क्रीन पर देख सकते हैं कि आपके लिए प्रश्न को लेकर के आ चुके हैं। जो आपका प्रश्न है वह यह है कि दुर्घटना से क्या अभिप्राय है, दुर्घटनाओं का वर्गीकरण कीजिए। दोस्तों, अगर कोई भी इंडस्ट्री है तो उसमें जो है आपका दुर्घटना जरूर होता है, एक्सीडेंट जरूर होता है, चाहे वह काम करते समय हो, चाहे वह किसी भी कार्य को करते समय हो। तो यह प्रश्न जो है आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इस क्वेश्चन के एग्जाम में आने के 100 में से 95% चांसेस हैं। दोस्तों, तो चलिए बात करते हैं दुर्घटना से क्या अभिप्राय है। सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं, बताया गया है कि दुर्घटना को निम्न प्रकार से परिभाषित किया सकता है। कोई भी ऐसी अप्रत्याशित घटना जिससे जान या मान की क्षति पहुंच को दुर्घटना कहा जाता है। दोस्तों, देखिए यहाँ पे दुर्घटना की जो परिभाषा है बहुत ही सिंपल शब्दों में बताई गई है कि ऐसी कोई अप्रत्याशित घटना जिससे जो है कि जान या मान की क्षति पहुंचती है तो उसे हम लोग दुर्घटना कहते हैं। घटना एक अप्रत्याशित, अनियंत्रित, अवांछित तथा अचानक घटित हुए अविष्ट को कहा जा सकता है जिसके फलस्वरूप छोटी अथवा बड़ी चोट लग सकती है या व्यक्ति की जान भी जा सकती है, संपत्ति की हानि होती है तथा उद्योग की गतिविधियों तथा कार्यों में बाधा आती है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल, आपकी दुर्घटना होती है वह एक अप्रत्याशित होती है, यानी कि आपको इसके बारे में पहले से कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन नहीं होता है, आपको इसके बारे में पहले से पता नहीं होता है। यह अप्रत्याशित रूप से होती है, अनियंत्रित होती है, यानी कि आप इस दुर्घटना को रोक भी नहीं सकते हैं और इसके साथ साथ यह अचानक घटित होती है। तो इस प्रकार से दोस्तों यह कहा जा सकता है कि इसके फलस्वरूप जो है छोटी या बड़ी चोटें भी लग जाती हैं। कई बार तो श्रमिकों की मृत्यु भी हो जाती है, इसके साथ साथ जो है संपत्ति की हानि होती है और उद्योगों के कार्यों में बाधा आती है, यानी कि जो कार्य पहले से चल रहे होते हैं उन कार्यों को स्टॉप करना पड़ता है, यानी रोकना पड़ता है, जिससे जो है कार्यों में बाधाएं भी दुर्घटनाओं के कारण उत्पन्न होती हैं। तो चलिए बात करते हैं दुर्घटनाओं का वर्गीकरण के बारे में। दोस्तों, दुर्घटनाओं के वर्गीकरण को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। जो पहला भाग है वह है चोट की प्रकृति के आधार पर दुर्घटना। चोट के आधार पर आप जो है दुर्घटना के नाम को दे सकते हैं। जैसे कि जो पहला आपका प्रकार है चोट के आधार पर वह है सन्निकट दुर्घटना या नुकसान रहित दुर्घटना। दोस्तों, जैसा कि आपने कई बार देखा होगा या सुना होगा कि कहीं पर इंडस्ट्री में बड़े बड़े दुर्घटनाएँ होती हैं लेकिन उसमें किसी को चोट नहीं पहुँचती है, कोई भी नुकसान नहीं होता है, तो इस प्रकार के दुर्घटना को आप जो है नुकसान रहित दुर्घटना भी कह सकते हैं। दोस्तों, जो आपका अगला दुर्घटना होता है वह मामूली दुर्घटना। दोस्तों यहाँ पे मामूली नहीं है, मामूली है, यानी कि छोटी मोटी दुर्घटना, यानी कि दोस्तों आप कह सकते हैं कि ऐसी घटना जिससे किसी को छोटी मोटी चोट लगती है, छोटा मोटा नुकसान होता है, थोड़ा बहुत नुकसान होता है, तो इस प्रकार के दुर्घटना को मामूली दुर्घटना कहा जाता है। इसके बाद आपका लघु दुर्घटना, यानी कि आप इसे जो है मामूली दुर्घटना से थोड़ा ज़्यादा बोल सकते हैं, यानी कि ऐसी दुर्घटना जिसमें जो है कि चोटें तो लगती हैं और नुकसान भी आपका होता है लेकिन कम मात्रा में होता है, तो उसे हम लोग लघु दुर्घटना के नाम से जानते हैं। दोस्तों, इसके बाद दोस्तों जो आपका दुर्घटना का वर्गीकरण है वो आपके घटनाओं के आधार पर किया गया है, यानी दोस्तों दुर्घटना किसके आधार पर होती हैं, तो आपका जो है दुर्घटना मुख्यतः 3 आधार पर होती हैं। पहली है वह है आपकी विद्युत दुर्घटनाएं। दोस्तों, इंडस्ट्री में कभी कई बार जो है शॉर्ट सर्किट की वजह से जो है दुर्घटना हो जाती है, तो विद्युत दुर्घटनाएं, यांत्रिक दुर्घटनाएं, यानी कि मशीन पर कार्य करते समय अगर ध्यान नहीं देते हैं, बाई चांस उनका कोई कपड़ा या फिर उनका पैर या फिर हाथ अगर मशीन में चला जाता है तो इससे भी दुर्घटना हो जाती है, तो इस प्रकार की दुर्घटना को यांत्रिक दुर्घटना कहा जाता है। जो आपका अगला दुर्घटना है वह है रासायनिक दुर्घटना। इसके अंतर्गत दोस्तों केमिकल है, केमिकल पर अगर आप जो किसी ऐसी फैक्ट्री में या कंपनी में काम कर रहे हैं, किसी ऐसे इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं जिसमें केमिकल से संबंधित काम होता है, तो अगर आप जो है वहाँ पर ध्यान नहीं देंगे, सावधानी से काम नहीं करेंगे तो केमिकल से भी आपकी दुर्घटना हो सकती है, आपको नुकसान हो सकता है। दोस्तों, इसके बाद जो है आपके दुर्घटना को स्थान के आधार पर भी बांटा गया है कि स्थान के आधार पर भी दुर्घटना 3 प्रकार की होती है। रेल दुर्घटनाएँ, जैसे कि आप जानते हैं इसके बारे में, सड़क दुर्घटनाएँ और औद्योगिक
दुर्घटनाएं। दोस्तों इंडिया में यानी या फिर किसी भी देश में जो है दुर्घटनाएं के मुख्यतः तीन कारण होते हैं। किसी भी देश में जो है दुर्घटना के मुख्यतः तीन स्थान होते हैं, या फिर रेल से दुर्घटना हो जाती है, या फिर सड़क पर होती है, या फिर किसी भी इंडस्ट्री में काम करते समय दुर्घटना हो जाती है। तो आशा करते हैं इस वीडियो में मैंने आपको जो है दुर्घटना के बारे में बताया, दुर्घटनाओं का वर्गीकरण को बताया, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो में नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग।